दोस्तों मिर्च मसाला में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हमने इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े की रेसिपी डाली थी जो आपने बहुत पसंद की। आज हम एक दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर लेके आए हैं, वो है लेमन जिंजर टी यानी नींबू और अदरक की चाय। इसके कई फायदे हैं, सबसे बड़ा फायदा तो है ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे एक पैन में हमने लिया है 1 कप पानी। इस पानी को हम होने देंगे गर्म और जब तक ये पानी गर्म होता है हम यहाँ पे 1 इंच अदरक को पील कर लेंगे यानी इसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और इसके कई सारे फायदे हैं जो हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। इसके हमने यहाँ छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, पानी में आ गया है बॉयल, तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और गैस को कर देंगे कम आँच पर और इसे हम ढककर करीब 1 मिनट के लिए उबलने देंगे। एक मिनट अब हो चुका है तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद और इसे ढककर करीब 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे छलनी से छान लेंगे और इसमें हम डालेंगे नींबू। नींबू की मात्रा आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, आधा से 1 नींबू तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है 1/2 नींबू। नींबू डालने के बाद आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो चुका है। आप चाहें तो इसका सेवन ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी डाल सकते हैं। पर हनी डालते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि ये ल्यूक वार्म होना चाहिए यानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में हमें हनी का प्रयोग नहीं करना है। तो जब ये ल्यूक वार्म हो तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं 1 चम्मच। तो दोस्तों हमारा लेमन जिंजर टी बिल्कुल तैयार है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेमन जिंजर टी बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये बहुत जल्दी आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। कोल्ड, फ्लू, कफ के लिए ये बहुत ही अच्छा है। नींबू में विटामिन सी होता है जिसके कारण ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। जिंजर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, उसे इम्प्रूव करता है। स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। हेयर फॉल और डैंड्रफ को ये कंट्रोल करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर जैसा कि मैंने आपको बोला है ये है ही। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने और अपनी फैमिली की इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।